बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अर्बन टिप्स एंड ट्रिक्स दैट मेड लाइफ इजी। इसमें आज हम आपके साथ क्रिस्पी और यमी मेथी के पराठों की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए होंगे, सबसे पहले हमने नॉर्मल आटा लिया है, वो नॉर्मल आटा जिसको आप अपने खाने में यूज़ करते हैं या जिसकी नॉर्मली आप रोटियाँ बनाते हैं, आपने वही आटा लेना है। ये हमने वो आटा लिया है और ये तकरीबन 2 कप के करीब है। इसको हमने स्ट्रेनर की मदद से इसी बर्तन में स्ट्रेन कर लिया है। 2 कप हमने आटा लिया और इसी तरीके से हमने 1 कप जो है वो बेसन लिया है या चने का आटा लिया है। अब हमने करना यूँ है कि इन दोनों को मिक्स कर देना है। नॉर्मल आटे के साथ जो बेसन का आटा है उसको आपने मिक्स कर देना है। इससे आपके पराठों का टेस्ट डबल हो जाएगा। वैसे आप चाहें तो नॉर्मल जो घर का आटा है उसका भी बना सकते हैं। अब इसमें हम तकरीबन 1 स्पून के करीब ऑयल जो है वो ऐड करेंगे। इसको अब आपने मिक्स करना है अच्छे तरीके से कि ऑयल आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे ऑयल डालने से पराठों में थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाएगा। अब हम आपको इसमें डालने के लिए मसाले दिखाते हैं। ये देखें, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी ली है हमने। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। सुर्ख मिर्च हमने 1/2 टीस्पून ली है, 1/2 टीस्पून के करीब हमने ली है, तो ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। वैसे पराठे थोड़े चटपटे जो है इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा हमने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है और हमने ली है 4 से 5 हरी मिर्चें, इनको चॉप कर लिया है, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसको भी हमने चॉप कर लिया है, और अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। अब ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हम इसलिए करेंगे कि जो सारी चीजें हैं वो अच्छे से आटे के अंदर मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर सब जगह हमें एक जैसा मिले, इसलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आटे में हमने तमाम अज्जा जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब आपके सामने नज़र आ रही है मेथी, ये तकरीबन 1 गड्ढी के करीब मेथी है। इसको हमने पहले साफ़ किया है, फिर हमने इसको बारीक बारीक काट लिया है। हमने इसके पत्ते पत्ते लिए हैं, इसकी लंबी डंडियां वगैरह जो है वो हमने इसमें नहीं यूज़ की। और इसके अलावा हमने इसको धोने के बाद स्ट्रेनर में रखा हुआ है, इसको हम सारी की सारी इसमें ऐड कर देंगे और हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे। हाथ हमने पहले ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे आटे की डो बनाते हैं इस शक्ल में हम इसको गूंद लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमने पराठों के लिए जो आटा गूंदा है मेथी के, वो अब बिल्कुल रेडी हो गया। इसको हम तकरीबन अब 1/2 घंटे का रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद पराठे बनाएंगे। आटा तकरीबन अब हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया, तो अब हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हाथों को हम खुश्क आटा लगाएंगे और जितना आप पेड़ा बनाते हैं उतना लेंगे और इसको ऐसे हम गोल कर लेंगे।
इसको हम बेलन की मदद से बेल लेंगे ऐसे। ये हमने बेलन की मदद से इसको बेल लिया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। ये देखिए, ये थोड़ा सा हमने ऑयल डाला और इसको ऐसे हम हाथ की मदद से ही थोड़ा सा फैला देंगे और इस पे हम हल्का हल्का सा ऐसे आटा छिड़क देंगे ताकि ये जुड़े ना आपस में। हमने साथ ही पैन को भी रख दिया। अब हम एक अदद ऐसे करके कटर लेंगे और उसकी मदद से हम इसको ऐसे लाइन लगाएंगे और अब आप इसको इस तरीके से आराम आराम से हल्के हाथों से ऐसे कर ले। इसका यूं करके आप पेड़ा बना ले। ये देखें इसका पेड़ा कितना ज़बरदस्त बन गया और इस तरीके से हमारा जो पराठा है वो लच्छेदार बनेगा और क्रिस्पी भी बनेगा बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं, उसको पेड़े को हमने खुश्क आटा लगाकर इसको अच्छे तरीके से बेल लिया है और अब हम इसको उठाएंगे और पैन के ऊपर डालेंगे। पैन हमारा गर्म था अच्छे से। ये देखें, ये एक साइड से हो गया। अब हम इसको ऑयलिंग करेंगे। ये हम इसको ऑयल करके दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं पराठा देखने में भी कितना क्रिस्पी लग रहा है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गए तो अब हम इसको उतारने लगे फ्लेम से। एक मेथड से हम पराठा बना चुके और अब हम आपके सामने दूसरा मेथड जो है वो इस पे ट्राई करते हैं।
इसको भी आपने रोटी बना लेनी है। उसके बाद आपने इसको ऐसे कर लेना है और इसको कर लेना है ऐसे और इसको ऐसे कर लेना है। और एक हमारा जो मेथड है वो ये है, इसको अब हम पतला सा बेलकर तवे पर डालेंगे। इसको भी हमने चकोर पराठे को भी हमने बेलन की मदद से बेल लिया, इसको भी अब हम तवे पर डालने लगे। आप देख सकते हैं कि ये जो चकोर पराठा हमने दूसरे मेथड से बनाया था उसको भी हमने फ्राई कर लिया है और अब हमारे जो मेथी के पराठे हैं दो तरीकों से वो बिल्कुल रेडी हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।